मुजफ्फरनगर में शासन के आदेशों पर प्रशासन व पुलिस टीम ने अति व्यस्तम इलाकों से अतिक्रमण हटवाते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शनिवार को बाजारों में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर जमकर चला। नगर में अतिक्रमण अभियान के चलते आलाधिकारी भी सड़कों पर पुलिस पोस्ट के साथ दिखाई पड़े। इसके चलते नगरपालिका की टीम ने नगर के मुख्य बाजारों से अतिक्रमण हटवाते हुए व्यापारियों का सामान भी जब्त कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि नगर में जाम एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने नगर के सिविल लाइन थाना और सिटी कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान नगरपालिका की टीम ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटवा दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक कुलदीप सिंह ने बताया कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे इसके लिए और नगर में अवैध रूप से जो दुकानें लगी हुई हैं, आज आला अधिकारियों के निर्देशन पर अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि नगर में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। ये यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई स्टार्ट की गई है। एक मुहिम तरीके का है। कल भी हम लोगों ने कार्रवाई किया था, यहाँ पूरा साफ करवाया था झांसी की रानी पे। आज प्रकाश चौक से होते हुए मीनाक्षी चौक, फिर उधर से सू चौक होते हुए हम लोग आए हैं। उद्देश्य यह है कि जो अवैध रूप से सड़कों पे लोगों ने अपने दुकान बढ़ा के रख रखे हैं या ठेले खुमचे लगा रखे हैं, उनको हटवा देना, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। सर, ये अतिक्रमण कितने दिन चलेगा? ये रोज चलेगा सर। कुछ वाहनों को भी चाहिए मुख्यमंत्री की सरकार बनने के बाद एक बार फिर जो है बुलडोजर चलवा। ये तो रोज की मतलब अनवरत चलने वाली कार्रवाई है, सदैव चलती रहती है, कंटिन्यूअस है ये। और ये समस्या शहर वासियों को ही ज़्यादा है, इसमें ट्रैफिक समस्या रहती है, आने जाने में आवागमन बाधित होता रहता है। कुछ लोगों से फाइन भी लिया गया? कुछ फाइन तो फिलहाल अभी नहीं लिया गया है। कुछ वाहने सील की गई हैं जो कि सड़कें पे सड़क पूरे एकदम रोड के बीचों बीच में थी। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो सम्मत। मुजफ्फरनगर की जानसठ नगर पंचायत में भ्रष्टाचार और गबन के विरुद्ध चल रहा सभासदों का धरना छठे दिन भी जारी रहा। जानसठ नगर पंचायत में चल रहे भ्रष्टाचार, नई सड़क निर्माण में कुछ ही देर बाद टूटने, शिष्टाचार के नाम पर प्रत्येक महीने राशि निकालने, वाटर कूलर, कैमरे, लाउड स्पीकर, एसी, कैमरों के वाईफाई टावर व 151 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की खरीद में लाखों रुपए के घोटाले होने, महाशिवरात्रि पर्व पर सीसीटीवी कैमरे, लाइट जनरेटर आदि पर लाखों रुपए के फर्जी बिलों का भुगतान करने, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में डीजे के नाम पर करीब 10,000 रुपए का भुगतान अवैध रूप से करने, ट्रैक्टर ट्रॉली मरम्मत, समर्सिबल मरम्मत, नए समर्सिबल, ट्यूबवेल, बोरिंग आदि के भुगतान के बिलों के भारी भ्रष्टाचार के साथ साथ मोहल्ला हुसैनपुरा उत्तरी में बनाए गए नाले के निर्माण के दौरान उसके लेंटर में जगह जगह दरार होने और उसी के डर से नाले के ऊपर लोहे के अवरोधक बनाने का आरोप धरने में मौजूद सभासद अश्विनी चौधरी, बाबर अंसारी, रियासत मलिक, विवेक उपाध्याय, जमशेद राजपूत, अनु सैनी, शब्बो परवीन आदि ने लगाया। वहीं भ्रष्टाचार और सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप भी ईओ और चेयरमैन पर लगाया गया है। मैं जानसठ की आवाम की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं यहाँ पर धरने पर हूँ। भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार का नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन जो नगर पंचायत जानसठ के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर जितने भी विकास कार्य किए हैं उन सब विकास कार्यों में और जो सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उस योजना में हुई जो जनता के पैसे की लूट है, उस लूट के खिलाफ मैं यहाँ पर बैठा हूँ और लड़ाई लड़ रहा हूँ कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और जनता इन लोगों को जवाब देने का काम करे। कई दिनों से हम धरने पर हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे नगर पंचायत जानसठ के कई हमारे जिम्मेदार लोग इस धरने को उजाड़ना चाहते हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे ये यहाँ से हटाने का प्रयास चल रहा है। दो तीन दिन पहले हमने अपने सभासद साथियों के साथ धरना दिया था, लेकिन उन्होंने भी हमारे साथियों ने उसे पट्टी को वहाँ पर पोतने का काम किया। उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा कि आप टोपी और पटका हटा दीजिए और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इस तरह की चीज़ें चल रही, हम कोई बात करते हैं हो हल्ला शुरू हो जाता है, हमें यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को खुद ही कहीं और जाना पड़ेगा जो हमें परेशान करना चाहते हैं। हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, जनता की लड़ाई है, वो लोग खुद ही भागेंगे यहाँ से। लोगों को कहना है कि 4 साल से कहाँ थे ये लोग?
अब वो लोग तो अपनी बताएंगे, लेकिन मैं हमेशा जनता की लड़ाई लड़ने का मैंने काम किया। अभी आप पिछली बार मैंने लखनऊ में भी आवाज़ उठाई थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों ने धांधली की है, जनता के पैसे की लूट की है, अवैध वसूली की है, उन लोगों के खिलाफ मैंने लखनऊ तक आवाज़ उठाई है और मैं इस लड़ाई को जनता की अदालत में लेके जाऊँगा। कोई हमें कितना भी परेशान करना चाहे, हम परेशान होने वाले नहीं हैं। समाजवादी लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई जो है वो कमीशन की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जनता के पैसे के लूट की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को जनता की अदालत में लेके जाएंगे। जानसठ की आवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को नगर पंचायत जानसठ से उखाड़ फेंकने का काम करें। कुछ अधिकारियों को भी आपने अवगत कराया? वो सारी कार्रवाई हम करा रहे हैं और सभी अधिकारियों को अवगत कराने का हम काम कर रहे हैं, करेंगे। सुनवाई होती है, क्या कार्रवाई होती? हम इस लड़ाई को जनता के बीच में लेके जाएंगे, जनता की अदालत के बीच में लेके जाएंगे और जनता की अदालत में ये फैसला हो जाएगा कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन अत्याचारी है, किसने जनता के पैसे को लूटा है, जनता इसका इंसाफ करेगी। मुजफ्फरनगर के जानसठ कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते पुलिस प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर बाजारों में पहुंची और अतिक्रमण को हटवाते हुए सख्त चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण लेते ही अगले दिन कस्बे में जमकर बुलडोजर गरजा और अतिक्रमण हटाया गया। वहीं अतिक्रमण अभियान को देखते हुए अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। ज्ञात रहे कि जानसठ कस्बे में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्थानीय पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे तथा दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से सड़कों पर किए जा रहे अतिक्रमण को सड़कों से हटवाया गया। वहीं अधिकारियों द्वारा कस्बे के व्यापारियों से भविष्य में दुकान के बाहर सड़क पर अतिक्रमण करने पर कार्यवाही किए जाने की चेतावनी दी गई। शनिवार को जानसठ में हो रहे अतिक्रमण पर प्रशासनिक बुलडोजर ने अपनी धाक जमाते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर हड़कंप मचा दिया। कस्बे के काले गेट पर व पानीपत खटीमा राजमार्ग के अलावा कई मुख्य चौराहों पर हो रहे अतिक्रमण से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी ने शनिवार को कस्बे में फैले अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चला दिया। इसमें जो सड़क किनारे जो दुकानदार हैं वो अपना बढ़ा के दुकान लगा ले रहे हैं या कोई परमानेंट प्रकृति के नियत के हिसाब से उसमें अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को हिदायत दे दी गई है कि अपना जहां तक उनकी नियत सीमा है वहां तक ही अपना कब्जा रखें और जिन लोगों के द्वारा अनाधिकृत रूप से बढ़ा के अपना कब्जा किया गया था उनको उन पर योग जानसठ के द्वारा जुर्माना लगाया गया है और उन्हें हिदायत दी गई है कि अपना तय सीमा तक ही अपना कब्जे में रहें। जो शाम तक हट सकते हैं उनको शाम तक की दी गई है, जो एक दो दिन में हट सकते हैं कुछ दिन की दी गई है। ये पानीपत खटीमा राजमार्ग पर सड़क किनारे जो है स्थायी रूप से फल विक्रेताओं द्वारा जो स्थायी अतिक्रमण कर रखा उसको हटाने के बारे में कब तक का समय दिया गया आपके? जो ज़्यादातर तो अस्थायी ही हैं, सब ठेले में ही लग रहे हैं, एक दो हैं उनको कहा गया है कि उनको अपना पहले ठेले वगैरह का इंतजाम कर ले, किसी की रोजी रोटी भी प्रभावित ना हो और कब्जा भी ना हो। रात्रि के समय जहाँ मेला लगा हुआ है सर, वहाँ पे स्थायी रूप से अतिक्रमण कर रखा है, वहाँ पे आप इस रोड पर गुजरने वाले सैकड़ों लोगों को जो है काफ़ी परेशानी होती है, इसके बारे में सर आपके द्वारा कोई जांच या कोई कार्रवाई की गई हो? उसमें आज संज्ञान में आया है, हम तहसीलदार से कह देंगे, शाम को देख लेंगे जहाँ पे, क्योंकि अभी तो कोई अतिक्रमण है नहीं, शाम को लोग आते हैं। कर रखा है सर, वो थोड़ा बहुत बैरिकेडिंग वगैरह की है, रस्सी बांधी है, तो वो शाम को समझ में आएगा ना किस पर्पज के लिए की हुई है, उसको शाम को दिखा लेंगे, यदि अनाधिकृत रूप से यदि रोड में कोई दिक्कत हो रही होगी तो उसको हटवा दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर के सिविल बार एसोसिएशन सभागार में महिला अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के सिविल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय सभागार में अधिवक्ता परिषद जनपद मुजफ्फरनगर की इकाई के तत्वावधान में महिला अधिवक्ता सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्मल मित्तल व संचालन डॉक्टर माधुरी सिंह पूर्व डीजीसी सिविल बार ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनीषा अग्रवाल नारायण व अपर महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली तथा विशिष्ट अतिथि सुचि शर्मा व रानी शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। मनीष अग्रवाल नारायण ने अपने ओजस्वी भाषण में महिला सशक्तिकरण व कामकाजी महिलाओं व उनसे संबंधित कानूनों पर विचार व्यक्त किए। सुचि शर्मा महिला प्रमुख उत्तर प्रदेश अधिवक्ता परिषद द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण के अलावा महिलाओं के उत्थान व आयोग में अधिवक्ता परिषद भूमिका पर प्रकाश डाला तथा सीनियर अधिवक्ता राखी शर्मा प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता परिषद जिनकी छवि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, महिला अधिवक्ता का सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को हटाने के योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। आज सिविल बार में अधिवक्ता परिषद जनपद इकाई मुजफ्फरनगर के द्वारा एक महिला अधिवक्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता जो है मनीषा अग्रवाल जी नारायण, जो अपर महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय हरियाणा सरकार और मुख्य स्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय नई दिल्ली हैं, वो महिला सशक्तिकरण के बारे में अपने विचार लेने के लिए और समस्याएं सुनने के लिए आज यहाँ पर आई है। उनके साथ में सुचि शर्मा जी और राखी शर्मा जी जो स्थायी अधिवक्ता हैं बिजनौर और मेरठ, वो भी यहाँ पर आई हैं और उन्होंने कार्यक्रम
आयोजित कराया है। मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने यहाँ पर आकर हमारी बार का हमारा गौरव बढ़ाया और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। ये प्रोग्राम विमेंस डे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है जो अधिवक्ता परिषद मुजफ्फरनगर इकाई आज कर रहा है। इस प्रोग्राम का मोटिव आपने मेरे से पूछा, तो महिलाएं और पुरुष भारत में साथ साथ कंधा मिला के चलते हैं, तो ये प्रोग्राम भी इसलिए है कि महिलाएं आगे से आगे और आगे बढ़ें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार को, समाज को, देश को आगे लेके जाएं, ये इस प्रोग्राम का मोटिव है। आपका प्रयास सार्थक होता नज़र आता है आपको? हमें अपना प्रयास बिल्कुल सार्थक नज़र होता आता है। आप देखिए आज इस हॉल में आप दिखाइएगा दर्शकों को किस किस तादाद में महिलाएं मौजूद हैं, तो इतने बड़े नंबर में महिलाएं जब आती हैं और प्रोग्राम अटेंड करती हैं और ये महिलाएं एडवोकेट्स भी हैं और फ्यूचर एडवोकेट्स भी आज यहाँ पे हैं, तो जब इतने इतने बड़ी संख्या में एडवोकेट्स आते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं और फ्यूचर में हम क्या करेंगे वो डिक्लेयर करके जाते हैं कि हम भारत को आगे लेके जाएंगे, तो ये प्रोग्राम की सक्सेस है। जिला स्तर की अगर हम बात करें तो जो महिलाएं हैं वो एडवोकेट्स में कम जुडिशियरी की तरफ जाती हैं, जुडिशियरी की तरफ ज़्यादा जाती हैं, इसका कारण क्या मानते हैं? देखिए महिलाएं एडवोकेट बने चाहे जज बने और पुरुष भी एडवोकेट बने चाहे जज बने, काम सबको एक ही करना है, अच्छे से अच्छा केस करना है वकील को और अच्छे से अच्छी जजमेंट पास करनी है जज को। और महिलाएं क्यों जुडिशियरी की तरफ ज़्यादा आगे जाती हैं, क्योंकि आप देखेंगे महिलाओं में एक बहुत स्वाभाविक टेंडेंसी होती है, महिलाएं टीचर होती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, तो महिलाओं में सिखाने की, जजमेंट करने की एक स्वाभाविक टेंडेंसी होती है और केस को लड़ने की टेंडेंसी भी अब महिलाओं में डेवलप हो रही है। क्योंकि महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप ये देखें कि आप अपनी खुद की नज़र में क्या हैं, क्या आप अपनी खुद की नज़र में अबला हैं, विक्टिम हैं, या आप अपनी खुद की नज़र में एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, एक सशक्त नारी। खुद को सशक्त रखें तो इससे आपका देश भी सशक्त बनेगा। आज अधिवक्ताओं को क्या समझाया गया यहाँ पर इस महिला संगठन में? आज यही सब अधिवक्ताओं को समझाया गया महिला संगठन में कि आप खाली सोचेंगे तो नहीं होगा, आप करेंगे तो होगा। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित श्री शीतला माता बबरेवाली के मंदिर में चल रहे मेले के दौरान भंडार गृह में रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई जिससे श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित विश्वविख्यात श्री शीतला माता मंदिर पर चल रहे मेले के दौरान भंडार गृह में अचानक सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से कई लोग बाल बाल बच गए। दरअसल मीरापुर के श्री शीतला माता बबरेवाली के मंदिर में चल रहे मेले के दौरान शुक्रवार को उस समय भगदड़ मच गई जब मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रसाद चढ़ा रही थी तथा मंदिर के भवन में ऊपरी हिस्से में स्थित भंडार गृह में प्रसाद बनाने का कार्य चल रहा था। इस दौरान अचानक एक सिलेंडर में लीकेज होने के कारण आग लग गई तथा कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया तथा मौके पर भगदड़ मच गई। आग की चपेट में आने से कई लोग बाल बाल बच गए। लोग इधर उधर भागने लगे तथा आग की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में मेला ड्यूटी में तैनात सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र शर्मा व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर वही मंदिर समिति ने तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, किंतु फायर ब्रिगेड की गाड़ी व टीम अनुमति होने के बावजूद मेले से नदारद दिखाई दी जिससे मंदिर समिति में और ज्यादा हड़कंप मच गया। किंतु इसके बावजूद मंदिर समिति के सदस्यों व भंडार गृह में कार्य कर रहे कुछ लोगों द्वारा पुलिस के सिपाहियों की मदद से सूझबूझ का परिचय देते हुए रेत व मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरनगर के रामराज कस्बे में प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त करा दिया गया। योगी सरकार बनते ही बाबा का बुलडोजर चलने लगा है। रामराज कस्बे में अतिक्रमण को लेकर बार बार चेतावनी के बाद भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटाए जाने से प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए शनिवार को जेसीबी लगाकर अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। कस्बे में अतिक्रमण हटाने की कमान संभाल रहे थाना अध्यक्ष अक्षय शर्मा ने नगर में नाली के ऊपर अतिक्रमण करने वालों व पीडब्ल्यूडी की सीमा में मकान बनाने वाले लोगों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जितना जल्दी हो सके अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित शिखर शिक्षा सदन स्कूल में नीट एग्जाम क्लियर करने वाले छात्र कैफ रिजवी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शिखर शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मीरापुर के छात्र कैफ रिजवी द्वारा नीट एग्जाम क्वालिफाई करने पर विद्यालय द्वारा फूलमाला पहना कर वह शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। कैफ रिजवी ने शिखर शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से वर्ष 2017 में हाई स्कूल तथा 2019 में इंटर उत्तीर्ण की थी। छात्र कैफ रिजवी ने इस अवसर पर अपने जूनियर छात्र छात्राओं को बताया कि विद्यालय के अध्यापकों के उचित मार्गदर्शन में माता पिता के आशीर्वाद और सहयोग के कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ है। विद्यालय निदेशक राजेश शर्मा व प्रधानाचार्य पुनीत राजपूत ने संयुक्त रूप से कैफ रिजवी को नीट एग्जाम क्वालिफाई करने पर पुरस्कृत किया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि सफलता कैफ के अथक अध्ययन परिश्रम के कारण ही संभव हो सकी है।
और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। एसएसपी सहारनपुर आकाश तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधों के विरुद्ध अभियान के तहत थाना ननौता प्रभारी चंद्रसेन सैनी व पुलिस टीम ने दिल्ली मार्ग से ननौता के मोहल्ला छत्ता निवास अभियुक्त सद्दाम पुत्र जरीफ को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 1200 नशीली गोलियां बरामद की गई। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।